आज व्यापारियों के भी बहुत समस्याएं है, सारी समस्याएं बहुत कुछ तो आप लोगों के इस सभा के माध्यम से पता चल चुका होगा। साथियों, आज व्यापारी हो रहा है, किसान अभी एक व्यापारी व्यापारी आज हम लोग मुजफ्फरनगर पंडित जी, आज प्रांतीय बैठक का आयोजन किया गया है, किन मुद्दों को लेकर आज बैठक में? मैं श्याम बिहारी मिश्रा, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, और हमारे साथ हैं श्री राजन गुप्ता जी जो बरेली के हैं, हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं, मुकुल लाल जी अग्रवाल जो उपाध्यक्ष हैं, और हमारे श्री अशोक कंसल जी और नरूला जी जो हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, तथा आज इस सम्मेलन में हमारी कार्य समिति की बैठक में 30 जिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह बैठक हमारे संविधान के अनुसार हर 2 महीने में होती है। इसके पहले बैठक हमने गोरखपुर में की थी, गोरखपुर के बाद अब मैं यहाँ पर बैठक कर रहा हूँ। एक पश्चिम में करता हूँ, एक पूरब में करता हूँ। इसका अपना एक एजेंडा होता है, एजेंडे में प्रमुख संगठन होता है, पर संगठन के अलावा जो हमारी समस्याएं होती हैं हम उनको भी इसमें डिस्कशन करते हैं। अभी हमने 16 और 17 मार्च को 2 दिन का लगातार धरना रात दिन का लखनऊ में दिया था, उसमें हमने अपनी सारी समस्याओं का जिक्र किया था, और उसमें मैंने 11 समस्याएं प्रदेश सरकार की और 11 समस्याएं केंद्र सरकार की लिखी थी। उसकी कापी मैंने मोदी जी को भी भेज दी है, अखिलेश जी को भी भेज दी है, परंतु अभी जवाब किसी का मुझे नहीं मिला है, ना अखिलेश जी का मिला है और ना मोदी जी का मिला है। और हमने पूरे समस्त जिलों में भी इसके पहले एक ज्ञापन दिया था, हमारी समस्याएं क्या हैं। हमारी प्रमुख समस्या है केंद्र सरकार से जो संबंधित है, वो है एफडीआई का विरोध भारतीय जनता पार्टी भी करती थी, आज वो एफडीआई लगा रही है और उसने एफडीआई 100% लगा दिया है। दूसरी बात, हमारी शिकायत है टोल टैक्स समाप्त होना चाहिए। टोल टैक्स की बात क्या, हमारे ट्रांसपोर्ट वाले कहते हैं कि 1 लाख ट्रकें हैं, 90 लाख ट्रकें सब हैं, ये RTI की सूचना है, और 17,500 करोड़ रुपया इनको टोल टैक्स से मिल रहा है। हम 40 करोड़ देने को तैयार, टोल टैक्स हटाओ। हम मोदी जी का खजाना भरना चाहते हैं, पर इंस्पेक्टर राज को समाप्त कर देना चाहते हैं। एक्साइज का विरोध क्यों है, हम 10% की कस्टम ड्यूटी दे रहे हैं तो क्या 1% के हम एक्साइज नहीं दे सकते? परंतु तो एक्साइज इंस्पेक्टर का बहुत बड़ा डर है, वो हवा है, वो जोंक है, जोंक जो है भैंस के लग जाती है तो खून पी लेती है, तो हम एक्साइज इंस्पेक्टर को नहीं चाहते हैं और टैक्स तो हम दे नहीं चाहते, हम दे रहे हैं। इसी प्रकार से प्रदेश में हमारी समस्याएं हैं, बिजली की दरें बहुत बढ़ रही हैं, हाउस टैक्स अनाप शनाप बढ़ दिया गया है, हाउस टैक्स पर ब्याज वसूला जा रहा है, नोटिस पहले दी नहीं गई है। इसी प्रकार से कोई सुरक्षा नहीं है, इतना टैक्स देने के बाद उत्तर प्रदेश में हमारी कोई सुरक्षा नहीं है, मुख्यमंत्री जी सुनते नहीं है, प्रदेश से कहते हैं वो कहते हैं ये मैटर प्रदेश का है, तो मैं कहाँ जाऊँ? और इसलिए हमारी समस्याएं, मंडी शुल्क समाप्त नहीं हो रहा है, 2.5% लगा है, अब जब मंडी शुल्क की बात हम करते
करते हैं, केंद्र सरकार से करते हैं तो कहते हैं प्रदेश सरकार का है, प्रदेश सरकार से कहते हैं तो कहते हैं पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तो क्या आप व्यापारियों का खून पी करके पैसा वसूल करेंगे क्या? हम पैसा देने को तैयार हैं, इनका रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है, जब हर साल इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है तो फिर इनको एक सचल दल का बहुत बड़ा उत्पीड़न है, सचल दल ने पूरे देश प्रदेश को तबाह कर रखा है। जी एक डेढ़ महीना होने वाला है, सराफा बिल्कुल बंद है, आराम तो सराफा व्यवसायियों के मांग बिल्कुल उचित है, ये कहीं बड़े बड़े कारखानों में नहीं बनता है, एक साई लगती है जो कारखानों में माल बनता हो उसमें, ये घरों में बनता है, इसको कारीगर सोनार बनाते हैं, सोनार पिछड़ी जात के होते हैं, दीपक जला के मुंह से फूंक करके जेवर बनता है, इसके ऊपर एक साई लगाना बिल्कुल गलत काम है, सरकार को इस पर तुरंत अविलंब ध्यान लेना चाहिए, सारे प्रदेश देश का व्यापारी इसमें परेशान है, सराफा का व्यवसायी तो अपनी दुकान बंद किए ही है, बाकी अन्य जो व्यवसायी हैं वो भी सराफा व्यवसायी के हमदर्दी में बहुत परेशान हैं, जगह जगह पर धरना प्रदर्शन वॉल पेंटिंग सब कर रहे हैं, जगह जगह पर बंदी हो रही है, प्रदेश हमारा बंद रहा है, हमारा उत्तराखंड बंद रहा है, और आने वाली आठ मई को हम राष्ट्रीय कार्य समिति की एक बैठक करने जा रहे हैं, उसमें हम तय करेंगे कि हमको इस विषय पर क्या करना चाहिए और हम इसके लिए कैसे संकल्पित हैं, हमें एक साइड ड्यूटी किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है।